हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम सेवंथ अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन जॉइन आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूज हाउस क्लियर्स क्राइम आई बिल अपोजिशन फ्लेक्स कंसर्न यहाँ पर बात की गई है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल दो की क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के क्या प्रोविजन है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं तो इट विल इनेबल द पुलिस टू कलेक्ट बायोमेट्रिक डिटेल्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल सैंपल्स उन लोगों के जो कि यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं या तो जो यहाँ पर कन्विक्टेड हैं या तो जिन्हें यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो उन सब के यहाँ पर डेटा कलेक्ट किए जा सकते हैं बाय द पुलिस और यहाँ पर पिछहत्तर सालों के लिए उस डेटा को रिटेन किया जाएगा एनी ऑफेंस और डिटेन अंडर एनी डिटेंशन लॉ और इस डेटा को रिटेन किया जाएगा फॉर द सेवेंटी फाइव अब ये जो एक्ट है ये रिप्लेस कर देगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनस एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी जिसके अंडर सिर्फ यहाँ पर फिंगर इम्प्रेशन लिए जा सकते थे और फुट इंप्रेशनस लिए जा सकते थे गवर्नमेंट का यही कहना है इसकी वजह से जस्टिस जो है स्पीडी होगी लॉन्ग ट्रायल्स जो है कर्व होंगे कन्वेक्शन रेट इसकी वजह से बढ़ेगा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो हज़ार चौदह में बात की थी स्मार्ट पुलिसिंग के आइडिया को तो बेसिकली हम स्मार्ट पुलिसिंग के आइडिया को ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब अपोजिशन का ये कहना है ऑफ समी जजमेंट जिसमें बात की गई थी राइट टू तो प्राइवेसी की डेट सीक टू तो प्रोटेक्ट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन राइट टू तो बी फॉरगॉटन इसके अलावा राइट टू तो लिबर्टी एंड प्राइवेसी तो ये जो एक्ट है बेसिकली इन सारे राइट्स को वायलेट कर रहा है ये अपोजिशन का कहना है अब ये जो बिल है ये अलाउ करेगा पुलिस को टू कलेक्ट इम्प्रेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स पाम प्रिंट्स आयरिस रेटिना स्कैंस फुट प्रिंट्स फोटोग्राफ्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स बस इस बिल में एक एक्सेप्शन ये है कि बायोलॉजिकल सैम्पल्स कलेक्ट करने से पहले एक बार कंसेंट लेनी होगी लेकिन वो कंसेंट भी दो केसेस में नहीं लेनी होगी अगर अक्यूज जो है उसके ऊपर केस है कि उसने यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ किया है वेमन या चाइल्ड के साथ तो ऐसे में बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करने से पहले कंसेंट नहीं ली जाएगी दूसरा केस ये कि अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा यहाँ पर सात साल से ज़्यादा है तब भी यहाँ पर मैंडेटरी कंसेंट नहीं ली जाएगी बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करने से पहले अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना कि पुट्टा स्वामी जजमेंट को ये वॉलेट नहीं करता है ये बिल क्योंकि पुट्टा स्वामी जजमेंट में यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई थी वो कंडीशंस ये थी लिगैलिटी नीड प्रोपोर्शनलिटी तो दिस इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट द विक्टिम तो इसके बेसिस पे ये जो है ये लॉ यहाँ पर पोटोसामी जजमेंट को वॉयलेट नहीं करता है तो आई होप आपको सारे प्रोविजन क्लियर हो गए हों क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के अब हम सेकेंड न्यूज़ पर चलते हैं इन पैंडमिक फूड सब्सिडी कैप्ट एक्सट्रीम प्रॉवर्टी लो अब आईएमएफ का यहाँ पर पेपर है आईएमएफ के पेपर से ये बात हमें पता चली है कि गवर्नमेंट का जो यहाँ पर पाँच किलोग्राम फ्री अनाज देने की स्कीम थी उसकी वजह से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वो काफ़ी कम रही है पैंडेमिक लेवल पेंडेमिक ईयर में भी तो सेफ्टी नेट ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स क्वेश्चन कोविड इकोनॉमिक शॉक प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द पुअर एंड प्रिवेंटिंग एनी शॉप इंक्रीज इन एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल्स तो ये आई के वर्किंग पेपर से हमें पता चला है अब एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन कैसे किया जाता है तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन करने की तो एक्सट्रीम पॉवर्टी वॉज डिफाइंड बाई वर्ल्ड बैंक एज शेयर ऑफ पीपल लिविंग अंडर वन पॉइंट नाइन डॉलर एवरी डे एज पर टू थाउजेंड एलेवन परचेजिंग पावर पेरेटीडम्स तो बेसिकली वन पॉइंट नाइन डॉलर ये आपको नंबर याद होना चाहिए वन पॉइंट नाइन डॉलर जो कि लोग वन पॉइंट नाइन डॉलर यहाँ पर खर्च कर रहे हैं एवरी डे तो यहाँ पर उनको हम मानेंगे कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी वॉज डिफाइंड बाई वर्ल्ड बैंक एज शेयर ऑफ पीपल लिविंग अंडर वन पॉइंट नाइन डॉलर एवरी डे एज पर टू थाउजेंड एलेवन परचेजिंग पावर पैरेटिडम्स under the pradhan mantri garib kalyan yojana the center provides 5 kg food grains per month for free इसके अलावा जो एन में मिलता है उसके अलावा ये पाँच किलोग्राम और एक्स्ट्रा मिलता है तो एन में तो एक दो तीन रुपए में जो अनाज मिलता है तो उसके अलावा एक्स्ट्रा मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में और उसकी वजह से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी उसमें ज़्यादा लोग नहीं गए प्री पैंडमिक लेवल पर ही बेसिकली मेंटेन रहा एक्सट्रीम पॉवर्टी का रेट गिनी कोफिशियंट बस आपको ये पता होना चाहिए गिनी कोफिश गिनी कोफिशेंट किससे रिलेटेड है तो गिनी कोफिशेंट रिलेटेड है इन को मेजर करने के लिए तो रियल इक्वालिटी एज मेजर्ड बद गिनी कोफिशन तो गिनी कोफिशियंट आपको ये टर्म पता होना चाहिए बाकी आपने यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन देख लॉकॉर्ड टू दर्ल्ड बैंक एंड से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं डिस्कशन नहीं करेंगे क्या साइड चूज करेगा वेस्ट की साइड चूज करेगा रशिया की साइड चूज करेगा तो हमने यहाँ पर बता दिया कि इंडिया हैजन साइड ऑफ पीस अगर यहाँ पर साइड चूज करने की बात ही आ रही है तो यहाँ हम शांति के साइड है अडे आफ्टर इंडिया इन इट्स स्टेटमेंट एट द यू एन एस सी अब आपको पता है बूचा किलिंग्स के बारे में तो बूचा किलिंग्स को इंडिया ने कंडेम किया है और इंडिया का यह कहना है कि इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए इन किलिंग्स को लेकर तो अन इक्वोकली कंडेम्ड द सिविलियन किलिंग्स इन द यूक्रेनियन सिटी ऑफ बूचा एंड दट इट सपोर्ट्स द कॉल फॉर एन इनडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इन टू दिनिगेशन चाहिए और हम यही चाहते हैं कि पीस ऑफ वॉर खत्म हो तो एंड इफ इट है साइड इट इज़ अ साइड ऑफ पीस तो बेसिकली हम यहाँ पर कंफ्लिक्ट कह रहे हैं हम इनवेजन ए वॉर नहीं रेफर करते हैं तो साइड इंडिया

वन शुड बेयर इन माइंड दट द कंटेप्रेरी ग्लोबल ऑर्डर जो है वो यू एन चार्टर के ऊपर बिल्ड है और यू एन चार्टर यहाँ पर बात करता है रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड फॉर द सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स अगर इंडिया ने कोई साइड चूज़ किया तो इट इज़ अ साइड ऑफ़ पीस इट इज़ फॉरन इमीडिएट एंड टू वर्ल्ड तो ये हम चाहते हैं अभी यहाँ पर बात की गई कि हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं या हमें अमेरिका के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए तो ये भी क्लियर कर दिया गया कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमें यहाँ पर सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है तो ओनली वे टू प्रोटेक्ट आर देम सेल्स टू रिड्यूस आर डिपेंडेंसी ऑन फॉरिन कंट्रीज एंड बी आत्मनिर्भर दैट इज सेल्फ रिलायंट आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अब आपको क्यू एस रैंकिंग्स पता होंगी कि क्यू एस रैंकिंग्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं क्वाइक कोरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है इस बार इसने जो है रैंक निकाली कि थर्टी फाइव प्रोग्राम्स जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स के वो हंड्रेड सब्जेक्ट्स में आते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स को रैंक किया गया है जिसमें थर्टी फाइव प्रोग्राम्स इंडिया के भी टॉप हंड्रेड में हैं तो थर्टी फाइव प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाई फाइव आई आई टीस टू आई आई एम्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड डेली यूनिवर्सिटी अमंग द सिक्सटीन अदर हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया ग्लोबली रैंक अमंग द टॉप हंड्रेड तो आपको ये नहीं पता होने चाहिए कौन से इंस्टीट्यूट से बस आपको ये पता होने चाहिए कि यू एस रैंकिंग क्या है कि किससे रिलेटेड है बस आपको इतना पता होना चाहिए दट रोल इट बैक ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे तो बीजेपी रूल्ड साउथ दिल्ली म्यूंसिपल कॉरपोरेशन का एक डायरेक्टिव यह था कि नवरात्र के दौरान जो यहाँ पर मीट शॉप्स हैं उनको यहाँ पर शट डाउन कर देना चाहिए और इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद यहाँ पर इस आर्टिकल में बहुत सारे जजमेंट्स की बात की गई है तो ना सीरीज ऑफ रूलिंग्स कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट द राइट टू चूज वंस फूड इज एन इंट्रेंसिंग पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी तो राइट टू फूड जो है राइट टू चूज वंस फूड ये आता है राइट टू प्राइवेसी का एक पार्ट है तो राइट टू चूज वंस फूड इज एन इंट्रेंसिंग पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी पुट्टा स्वामी रूलिंग 2017 में जब राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट right बताया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था उसमें द चॉइस ऑफ फूड हैबिट्स जो है वो प्राइवेसी का ही ए, एक एस्पेक्ट है तो ये भी एक फंडामेंटल राइट right है तो राइट टू चूज़ वंस फूड इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का ही एक एस्पेक्ट है 2008 में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट व्हाट वन ईट्स इज वंस पर्सनल अफेयर और ये उसकी राइट टू प्राइवेसी के ही उसमें आता है और ये आर्टिकल ट्वेंटी वन का ही पार्ट है तो बेसिकली ये भी एक फंडामेंटल राइट right है कि कोई क्या खाना चाहता है इसके अलावा जो बुचर्स की बात की जाती है तो यहाँ पर बात की गई जो बुचर्स हैं वो अपना बेसिकली ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं और ट्रेड भी यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट right है कि यू हैव द राइट टू ट्रेड तो आफ्टर ऑल बुचर्स आर प्रैक्टिसिंग अ ट्रेड एंड इट इज़ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यून विच गारंटेड टू ऑल सिटीजनस ऑफ इंडिया तो यहाँ पर जो बुचर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर एक राइट right है मोर ओवर इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बचरी शॉप अलोन उसके अलावा वहाँ पर जो वर्कमेन काम कर रहे हैं अगर आप नौ दस दिन के लिए बंद कर दो

चूज़ वंस फूड ये जो है राइट टू प्रवेसी का ही एक पार्ट है जिसकी वजह से ये एक फंडामेंटल राइट है तो बस आपको इतना पता होना चाहिए अब हम आगे चलते हैं अनइक्वल बर्डन ऑफ पेन इसमें यह बताया गया है जो स्मॉल फॉर्म्स है उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है और जो लार्ज फॉर्म्स है बेसिकली उनके पास इतनी कैपिटल एक बफर की तरह होती है जिसकी वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है और ये प्रॉब्लम स्मॉल फॉर्म्स को फिर से देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल के प्राइस है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं तो इफ़ ऑयल प्राइज़े रिमेन एलिवेटेड इट को ड्रैक डाउन ग्रोथ रेज इन्फ्लेशन एंड वाइडन द टवीन फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स तो ऑयल प्राइजेज अगर ऐसे ही बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाएगी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और फिजिकल और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा जो हायर ऑयल का प्राइस है उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा और उसकी वजह से ग्रोथ ट्रेंड्स के ऊपर भी कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम देखें तो आर बी आई के डेटाबेस को यहाँ पर स्टडी किया गया जिसकी वजह से ये पता चला है कि पेंडेमिक के दौरान जो लार्ज फर्म्स थी उन्होंने मार्केट शेयर ले लिया है स्मॉलर फर्म्स का तो लार्ज फर्म्स ने स्मॉलर फर्म्स का मार्केट शेयर ले लिया है और पैंडमिक के दौरान जो लार्ज फर्म्स हैं उनकी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल फर्म्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है ऐसा इसीलिए क्योंकि लार्ज फर्म्स जो होते हैं वो इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल पर काम करते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कॉस्ट को कट कर सकें लोअर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट होता है और उनके पास कैपिटल मार्केट की भी एक्सेस होती है अगर हम देखें स्मॉल फॉर्म्स तो स्मॉल फॉर्म्स को तो पहले लॉकडाउन पीरियड के दौरान सारा काम उनका बंद हो गया था इसके अलावा फिर बाद में अभी हमें कमोडिटी प्राइस शॉक देखने को मिल रहा है कि कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है और इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो स्मॉल फार्म पर्टिकुलरली इन द इनफॉर्मल सेक्टर टिपिकली हैव अ हैव स्मॉलर कैश बफर्स इसके अलावा उनके पास जो बफर होता है वो बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो ऐसे किसी भी टर्मोइल को विदिस्टैंड नहीं कर पाती हैं फॉर टू रीजन्स वी थिंक द कमोडिटी प्राइस शॉक विल हर्ट स्मॉल फॉर्म्स मोर देन लार्ज फॉर्म्स तो फिर से हमें कमोडिटी प्राइस शॉक देखने को मिल रहा है ग्लोबल प्राइजेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं तो इसकी वजह से भी यहाँ पर स्मॉलर फॉर्म्स को इसका ब्रंट फेस करना पड़ेगा जो इंडिया है वो एनर्जी एफिशिएंट हुआ है हमारी डिपेंडेंस कम हुई है हम यहाँ पर रिनेवेबल एनर्जी की तरफ गए हैं लेकिन जो बेसिकली ये हुआ है ये लार्जर फॉर्म्स में हुआ है स्मॉलर फॉर्म्स में नहीं हुआ तो वन इंडिया हैज़ बिकम मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड दिस ट्रेंड हैज़ बीन लेड मोर बाई दार्ज फॉर्म्स हैव टेकन मोर एफिशंसी इन्हेंसिंग स्टेप दें द स्मॉल फार्मस इसके अलावा जो लार्ज फॉर्म्स होती हैं उनकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा होती है इस कंपेयर टू स्माल फॉर्म्स जिसकी वजह से यहाँ पर लार्ज फॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है और यहाँ पर स्मॉलर फॉर्म के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इट्स नॉट जस्ट द लार्ज फॉर्म्स दैट हैव डन वेल उनके एम्प्लॉइज की भी यहाँ पर जो सैलरीज है वो बढ़ी हैं उनके वेजेस बढ़े हैं लेकिन अगर हम देखें स्मॉलर फॉर्म्स में तो स्मॉलर फॉर्म्स में यहाँ तक कि जो सैलरीज है वो कम ही हुई हैं अब हम देखें तो ट्वेंटी परसेंट जो लेबर फोर्स है वो यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में काम करता है और यहाँ पर जो एटी परसेंट है वो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है तो एट्टी परसेंट जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है अगर आप ये मान लो कि चालीस परसेंट इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में होंगे चालीस परसेंट यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स में होंगे तो वो चालीस परसेंट जो यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स में है तो उनको तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ रहा है उनके वेजेस कम हो रहे हैं उनकी जॉब्स जा रही हैं जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं बेसिकली पैंडमिक के दौरान एग्रीकल्चर के यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था क्योंकि उस समय गुड मानसून थे लॉकडाउन एग्रीकल्चर पे तो लॉकडाउन ऐसा सच नहीं लगता है इसके अलावा गवर्नमेंट की वेलफेयर स्पेंडिंग प्रोग्राम्स थे लेकिन इस साल क्या देखने को मिल रहा है मानसून रेंस वोटाइल हैं वीकर कंस्ट्रक्शन वेजेस हैं हायर रूरल इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हो वो भी यहाँ पर सफर कर रहे हो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द पेंडेमिक में भी उनकी कंडीशन सही नहीं थी इस बार भी उनकी कंडीशन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल ऑयल प्राइजेज लगातार बढ़ रहे हैं अब हमारे पास डेटा तो है फॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ को ट्रैक करने का लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ को ट्रैक करने का हमारे पास कोई डेटा नहीं है हम ये सोचते हैं कि जैसे फॉर्मल सेक्टर ग्रो कर रहा है वैसे ही इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो कर रहा होगा तो इन द शॉर्ट रन द स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अज्यूम्स दट द ट्रेंड्स इन द फॉर्मल सेक्टर आर अ गुड प्रॉक्सी फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर तो बेसिकली हम यहां पर एक्स्ट्रा पॉलिट कर लेते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉर्मल सेक्टर जैसा ग्रो कर रहा हो वैसा ही इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो कर रहा हो तो बट इन पीरियड्स वन द इनफॉर्मल सेक्टर अंडर परफॉर्म्स द फॉर्मल सेक्टर दिस एज्पन कैन लीड टू एन ओवर एस्टमेशन ऑफ जी तो क्या किया जा सकता है तो यहां पर गवर्नमेंट के पास फिजिकल पॉलिसी सी है बी के पास मॉनिट्री पॉलिसी है तो इन दोनों का यूज करके यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है तो द गुड न्यूज़ इज दैट द राइट पॉलिसी मेक्स कैन हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन तो यहाँ पर हमारे पास टू पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें यहाँ पर ग्रोथ को भी सेफ गार्ड करना और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है इसके लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स है एक है फिजिकल पॉलिसी और एक है मॉनिट्री पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी जो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाती है जैसे कि सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग्स यहाँ पर गवर्नमेंट करती रही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बात की वो गवर्मेंट यहाँ पर करती रहे आरबीआई क्या कर सकता है आर बी पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है ग्रोथ को मेंटेन रख सकता है तो बेसिकली इसके लिए आरबीआई को जैसा भी अपना स्टांस न्यूट्रल रखना हो आरबीआई रख सकता है तो ये सब ऑथर ने बताया आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है फूड फॉर एंगजाइटी तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे द राइट टू बी डिफरेंट ये हम डिस्कस करते हैं कर्नाटका कोर्ट रिसेंटली एडवांस था अब कर्नाटक कोर्ट का, का यह कहना है कि कुछ क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस होते हैं तो क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस में हिजाब को अलाउ नहीं किया जाएगा अब ऑथर ने यह बोला कि कर्नाटक कोर्ट ने अलाउ किया वेयरिंग ऑफ हिजाब ऑन द स्कूल कैंपस और अदर पब्लिक स्पेसिस लेकिन हिजाब जो है वो आप क्लासरूम्स में नहीं पहन सकते और कर्नाटका कोर्ट का, का यह भी कहना है ऐसा इसीलिए नहीं तो जो स्टूडेंट्स हैं उसमें एक सेंस ऑफ सोशल सेपरेटनेस आ जाएगी तो ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है अब ऑथर ने इसमें यह पूछा है कि अगर सोशल सेपरेटनेस हिजाब पहनने से आ जाएगी तो वो तो अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट कुमकुम लगाएगा या टर्बन पहनेगा या बी एड तिलक क्रॉस तो उसकी वजह से भी एक सोशल सेपरेटनेस आ सकती तो बट वाई आर अदर रिलीजियस सिम्बल्स अलाउड वेयरिंग कुमकुम टर्बन बी एड तिलक और क्रॉस वेदर एज रिलीजियस एसेंशियल्स और कल्चरल प्रेफरेंसेज अब यहाँ पर ऑथर ने बताया कि आइडेंटिटी जो है इंसान के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इंसान सिर्फ अपने आप को एक आइडेंटिटी के साथ नहीं देखता वो बहुत सारी आइडेंटिटी के साथ खुद को देखता है आइडेंटिटीज़ आर बोथ एस्क्राइब्ड एंड फ्लूड बई लर्न फ्राम शाह बानू के तो यहाँ पर शाहबानो के इंटरव्यू की बात की गई है अब शाह बानो एक मुस्लिम वुमेन थी लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मॉडर्न लॉ का यूज़ किया अपने राइट को प्रिजर्व करने के लिए आइडेंटिटीज़ आर बोथ एस्क्राइब्ड एंड फ्लूड बट आई लर्न फ्रॉम द शाह बानो देट सी वॉज अ नापाक औरत मतलब वो एक इम्पायर्स वुमेन नहीं थी अगर उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न लॉ का यूज़ लिया तो वैन शी एफोड बोथ हर रिलीजियस आइडेंटिटी एंड डिप्लॉयड द मॉडर्न लॉ एज अन्स टू सिक्योर द राइट्स ऑफ एन इंडियन मुस्लिम वुमेन सिटीजन तो शी इज़ अ मुस्लिम वुमन ये उनकी एक आइडेंटिटी है दूसरी आइडेंटिटी उनकी ये भी तो है शी इज़ एन इंडियन तो उसके बाद वो यहाँ पर इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको भी वो फॉलो करेंगी और उससे अगर उनको कोई बेनिफिट मिलता तो वो उसका भी यूज़ करेंगे तो सो डेड अबाउट फिफ्टी थाउजेंड मुस्लिम वुमेन जिन्होंने यहाँ पर एक पटिशन साइन की थी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि यहाँ पर जो ट्रिपल तलाक है वो यहाँ पर बैन होना चाहिए तो बेसिकली यहाँ पर तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं द ह्यूमन राइट टू हैव एन आइडेंटिटी इसके अलावा जो ह्यूमन है वो यहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को एक्वायर भी कर सकता है जो भी उसकी कॉन्सेंट चलाओ करे उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को एक्वायर भी कर सकता है और इसके अलावा हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी में कन्फ्लिक्ट भी हों तो उसे इस कन्फ्लिक्ट को मैनेज भी करना होता है राइट टू रिलीजन से पहले आता है राइट टू कॉन्शियस कि आपका कॉन्शियस क्या कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्ग्नाइज करता है कि हर सिटीजन के पास एक राइट टू कॉन्शियस है विच हेल्प्स टू चूज और चेंज अ रिलीजन इसके अलावा वो एथीस्ट भी हो सकता है तो वो यहाँ पर कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस ना करे तो ये भी उसका एक राइट right ही है तो कॉन्शियस च्वाइज डू नॉट लीड टू सेपरेटनेस तो मेरी कोई कॉन्शियस चॉइस है आपकी कोई और कॉन्शियस चॉइस हो सकती है इसकी वजह से यही है कि हम दोनों सेपरेट हैं इसका मतलब ये है कि सोशल सेंस जो है आपकी आइडेंटिटी सोशल सेंस में कुछ और है मेरी आइडेंटिटी सोशल सेंस में कुछ और है तो इस डिफरेंस को रिकोगनाइज़ किया जाना चाहिए रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए ना कि आप सबको मर्ज करने की कोशिश करो कल्चर का मतलब यही होता है

एंड एप्रल आर ऑल्सो एस्पेक्ट्स ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी तो राइट ऑफ प्राइवेसी के हमें दो और एस्पेक्ट पता चले जो कि अपियरेंस और एप्रल तो आइयोप आपको क्लियर हो, हो गया अब हम आगे चलते हैं ये एक्सी वेरिएंट में नॉट बी अ कंसर्न ऑफ नाउ अब एक्सी वेरिएंट क्या है तो बेसिकली ओमिक्रॉन के दो सब वेरियंट थे उनका रिकॉम्बिनेशन है एक्सी वेरियंट तो एक्सी वेरियंट शायद इंडिया में एक केस मिला है वो भी अभी कन्फर्म नहीं है कि मिला है कि नहीं मिला है तो ओमिक्रॉन के यहाँ पर दो प्रोमिनेंट सब वेरियंट हैं बी ए पॉइंट वन एंड बी ए पॉइंट टू इसके अलावा बे पॉइंट थ्री भी है लेकिन वो ज़्यादा कॉमन नहीं है तो ड्यूरिंग द इनिशियल फेज हम बे पॉइंट वन सब वेरियंट के बहुत सारे केस देखने को मिले थे फिर बाद में बी ए पॉइंट टू के केसेस देखने को मिले जो एक्सी वेरियंट है वो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन है म्यूटेशन जो बी ए पॉइंट वन में मिले थे और बी ए पॉइंट टू में मिले थे जो फर्स्ट केस डिस्कवर हुआ एक्सी का वो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में हुआ था जनवरी में और अभी तक छः सौ सैम्पल्स को यहाँ पर एक्सी के पाए जा चुके हैं अभी तक कितना ट्रांसमिसबल है तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं जो कि यह दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है तो एज ऑफ नाउ देर इज नो एविडेंस टू शो दैट द दट वेरिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन अनपैकिंग क्लाइमेट रिपोर्ट द रोड अहेड इफ द वर्ड मिसेज द वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस रिडक्शन टारगेट ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं तो आई जो आई की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसका ये कहना है कि वन डिग्री सेल्सियस तक अगर हमें टेम्परेचर को सीमित रखना है तो हमें इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे इमीडिएट का मतलब ये नहीं आज से पाँच साल बाद इमीडिएट मतलब आज से ही तो अनलेस इमीडिएट एक्शन इज टेकन टू सब्सटेंशियली रेज द ग्लोबल एफर्ट्स टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और इमीडिएट का मतलब ये नहीं पांच और दस साल बाद मतलब आज जो थर्ड और फाइनल रिपोर्ट है आई पी सी सी के सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट की इसका ये कहना है कि जो भी ग्लोबल हाउस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमशन है वो यहाँ पर दो हज़ार पच्चीस तक पीक हो जाने चाहिए और उसके बाद यहाँ पर कम होना शुरू हो जाने चाहिए इसके अलावा दो हज़ार तीस तक जो भी करंट लेवल्स है उससे हमें फोर्टी थ्री परसेंट डिक्लाइन करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सीमित रख पाएंगे अगर हम देखें ट्रेंड तो ट्रेंड ये है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो 2019 में थे वो 2010 के कंपैरिजन में 12 परसेंट ज्यादा हैं और हमें क्या करना है हमें 2030 तक अभी जो लेवल है उसका 43 परसेंट कम करना है तो बेसिकली हमें इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो वन डिग्री तक तो राइज हो ही चुका है वन डिग्री तक हमें रोकने की कोशिश करनी है बेस्ट सिनारीियों में भी हो सकता है कि वन डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर ब्रीच हो जाए क्या किया जा सकता है तो बहुत सारे ऑप्शन जो किए जा सकते हैं तो अलॉट ऑफ रिडक्शन इन द करंट लेवल ऑफ इिशंस कैन भी अचीवड जो कि हमारे पास एक्जिटिंग टेक्नोलॉजीज है उसका ही यूज़ करके किया जा सकता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बन चुकी बन चुकी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सोलर एनर्जी की कॉस्ट है वो यहाँ पर एट्टी फाइव परसेंट तक कम हो चुकी है जो विंड पावर की कॉस्ट है वो यहाँ पर फिफ्टी फाइव परसेंट तक कम हो चुकी है तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि वाइबल ऑप्शन है हमारे पास जो कि हम यूज़ करके यहाँ पर जो एमिशंस उनको कट कर सकते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंटली द न्यू आई पी सी रिपोर्ट पॉइंट आउट दट नियरली हाफ द वर्ल्ड्स करेंट अमीशन कैन बी कट बाई ट्वेंटी थर्टी यूजिंग ओनली टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ हंड्रेड बिलियन डॉलर ही कॉस्ट करेगी अगर हमें यहाँ पर वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेट करना है एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं टेक्नोलॉजीज के तो बहुत सारे हो सकते हैं आप रिनीवेबल्स यूज़ कर सकते हो लाइक सोलर और विंड एनर्ज विंड एनर्जी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हो डिफॉरस्टेशन में रिडक्शन कर सकते हो एनर्जी एफिशियंसी में इंप्रूवमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हो वॉकिंग कर सकते हो फॉर द स्मॉल डिस्टेंस बाइस्कल्स को यूज़ कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हो तो ऐसा हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कट हो सकते हैं इसके अलावा जो ऑयल गैस और कोल इसके ऊपर डिपेंडेंस पूरी तरीके से खत्म करनी होगी कोल के ऊपर जो डिपेंडेंस पूरी तरीके से खत्म करनी होगी 2050 तक और ऑयल और गैस के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो 60 टू 70 परसेंट यहाँ पर कम करनी होगी आगे हम चलते हैं यहाँ पर लिंगराज टेंपल की बात की गई है लिंगराज लार्जेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वर इन द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क ऑफ कमीशन किया था स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेटराइट का बना है कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टेम्पल के चार है. चार चार्पोनेट्स को आपको नाम पता होना चाहिए विमाना विमाना क्या होता है स्ट्रक्चर जो कंटेन करता है दूसरा जगमोहन जगमोहन क्या असेंबली हॉल फिर नाट मंदिर क्या है फेस्टिवल हॉल और क्या है हॉल ऑफ ऑफ्रेंस तो यहाँ पर आपको चार कॉम्पोनेट पता चला

बेसिकली इससे पहले सिर्फ जगन्नाथ टेम्पल ही एक ऐसा टेम्पल था जिसके लिए एक अलग से एक्ट बना था बाकी जो टेम्पल्स हैं यहाँ पर उड़ीसा में वो उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट के अंदर ही मैनेज होते हैं लेकिन अब यहाँ पर लिंगराज टेम्पल के लिए भी अलग एक्ट बनाने की बात की जा रही थी लेकिन सेंटर ने इसके ऊपर एक रोक लगा दी है सेंटर का ये कहना है ऑर्डिनेंस वॉज फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट फॉर इज एसेंट सेंटर ने प्रपोज किया इंसर्शन ऑफ क्लॉज एज फार एज द ट्वेल्व सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स आर कंसर्न जो प्रोविजन है वो इन कॉन्सोस में होनी चाहिए विद द ए एम ए ए एस आर एक्ट आफ्टर दिस वॉज डन द दडीसा कैबिनेट क्लियर द रवाइज ऑर्डिनेंस लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर से रोक लगा दी और यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने कुछ यहाँ पर सेवरल सेक्शंस का ये कहना है कि ये जो कुछ सेक्शंस है ये यहाँ पर ए एम ए एस आर एक्ट को वायलेट करते हैं और स्टेट की लेजिस्लेटिव जो में नहीं आते कि स्टेट ऐसा करे तो ये स्टेट की जुरस्डिक्शन में नहीं है इनका ऐसा कहना है सेंटर को तो सेंटर इज ऑब्जेक्टेड ओडिशाज प्लान फॉर लैंडमार्क लिंगराज टेम्पल हमें क्या याद रखना अभी ऑर्डिनेंस आया नहीं तो हमें वो याद भी नहीं रखना हमें सिर्फ लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद रखने है फॉर एग्जाम्पल विमाना क्या होता है नाट मंदिर क्या होता है मंडप क्या होता है जगमोहन क्या होता है किसने बनाया किंग जजाती केशरी फिर किंग लाला तेंदू केशरी कौन से सेंचुरी में बना कौन सा आर्किटेक्चर है कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसके अंदर एक सौ पचास स्मोला श्राइन्स है तो ये सब आपको बताना चाहिए दैट्स इट अब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है और ज़्यादा सेंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर हम यही पढ़ते रहते हैं ठीक है आगे हम चलते हैं कंसर्न ओवर चाइना ऑकस टू डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब जो ऑकस ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का जिसमें ये लोग जो यूके और यूएस थे न्यूक्लियर सममरी देने वाले थे ऑस्ट्रेलिया को अब बेसिकली इनका ये कहना है कि हम सब मिलकर बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल तो यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया एनडेड दे विल वर्क टूगेदर वाई सेंट्रली क्रिएटेड सिक्योरिटी अलायंस नोन एज ऑकस टू डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल्स बाइडन जॉनसन एंड मॉरिसन हैव बिल्ड द क्रिएशन ऑफ ऑकस तो बेसिकली एक मिलिट्री अलाइंस है ऑकस और इनका ये कहना है कि अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी चाइना ने टेस्ट किया था टेस्ट पूरी तरीके से नहीं सही हुआ था लेकिन हाँ यहाँ पर चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था इसके अलावा यूएसए ने भी टेस्ट किया था लेकिन यूएसए का तो पूरी तरीके से फेल हो गया था अब इन तीनों कंट्रीज मिलकर यहाँ पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे ई क्या होता है तो ई आपको पता होगा ईसी क्या होता है अभी हम एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं ई क्या होता है तो आफ्टर रशिया पब्लिक सेक्टर ई लिमिटेड विच प्रोवाइड्स क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट्स तो बेसिकली एक्सपोर्ट्स को ये एक तरीके का जो एक्सपोर्टर्स होते हैं इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है ई तो ईसी जी ने यहाँ पर रशिया को रेस्ट्रिक्ट कवर में डाल दिया था उसके बाद अभी यहाँ पर श्रीलंका को भी कवर कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि श्रीलंका में यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है बाकी यहाँ पर रशिया एक वॉर में इन्वॉल्व है तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है यहां पर रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी में डाल दिया है ईसीजीसी क्या करता है तो प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर्स तो यहां पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहां पर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत अनसर्टेन इन्वायरमेंट में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई एक्सपोर्ट्स बंद हो गए तो ऐसे में उनका जो सारा पैसा है वो डूब सकता है तो ऐसे में उनको इंश्योरेंस चाहिए होता है और वो इंश्योरेंस का काम यहाँ पर ई करता है तो ई सी जी सी प्रोवाइड्स रेंज ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस का टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द कमर्शियल रिस्क ऑफ फॉरन बायर गोइंग बैंक या तो उसकी कैपेसिटी लूज हो जाए टू पे तो जिसकी वजह से कोई अनसर्टेनिटी से उसको बचाने के लिए यहाँ पर ई होता है यहाँ पर एक सेमी कंडक्टर मिशन के लिए एक पैनल बनाया गया और उस पैनल को हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव तो ये चेयरपर्सन होंगे और यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है राजीव चंद्रशेर वो यहाँ पर होंगे वाइस चेयरपर्सन तो ये आपको पता होना चाहिए सेमी कंडक्टर मिशन के लिए एक पैनल बनाया गया पैनल को कौन हेड कर रहे हैं आई होप आपको आज के न्यूज़पेपर समझ आ गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब थैंक यू एंड बनाई स्टे